भारत के जितने भी सांसद हैं उनके घर पर हम जाकर घंटी बजाएंगे, उनसे कहेंगे माननीय सांसद जी जैसे आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं वैसे ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दें। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि माननीय चार चार पेंशन लेगा और अड़सनी बल एक भी पेंशन नहीं लेगा। ये हमारे बुढ़ापे का जो विरोध करेगा, वक्त आने पर बोर्ड की चोट से हम उसका भी विरोध करेंगे। इसमें कोई प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा जो कर्नाटका का परिणाम है और देश का एनपीएस कर्मचारी 1 करोड़ है, भरसक प्रयास रहेगा। और जैसे हिमाचल और कर्नाटक में ये कर्मचारियों ने करके दिखाया, उत्तराखंड भी देवभूमि है, कर्मचारियों की भूमि है और यहाँ पर भी बदलाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रूट की। आपको बताएं हरिद्वार रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में खड़े हैं और आपको बता दें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो कर्मचारी है वो काफी सम्मेलन में से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर आंदोलन चलाया जा रहा है। छोड़ो भारत छोड़ो यात्रा का भी यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे घर विजय कुमार बंधु जी, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं आज यहाँ पर उसके लिए? देखिए, NMOPS के बैनर तले 1 जून से गांधी जी के कर्मभूमि चंपारण बिहार से यात्रा शुरू हुई है और आज हम यहाँ पर हरिद्वार के इस शहर में हैं। हमारी एक मांग है कि देश के जो 85 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। पुरानी पेंशन की सवाल जहाँ तक है, हमारी सामाजिक सुरक्षा है और हमारी सामाजिक सुरक्षा अगर हमसे छीन ली गई तो हमारे बुढ़ापे में क्या मिलेगा? तो पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। जहाँ NPS व्यवस्था, नई पेंशन व्यवस्था जो लाई गई, उससे हमारा भविष्य खराब हो रहा है और निजीकरण से हमारे नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। इसलिए NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है। आज हम यहाँ हैं, अभी इसके बाद हम निकलेंगे, हरिद्वार निकलेंगे, फिर देहरादून ऋषिकेश जाएंगे, देहरादून जाएंगे, फिर विकास नगर, ऐसे यात्रा पूरे देश के अंदर जाएगी। और हम अपनी बात सरकार से निवेदन करने निकले हैं, अपील करने निकले हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करिए। देख पा रहे काफ़ी लंबे समय से आपका संगठन इसके विरोध में आप काम कर रहा है, लेकिन मांग भी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बताया बिहार से शुरू हुई है और यहाँ उत्तराखंड पहुँची है, इसके बाद यात्रा कहाँ कहाँ जाने वाली है सर? बिहार से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश आई, उत्तर प्रदेश से आज उत्तराखंड आई है, उत्तराखंड के बाद आज कुछ UP का बॉर्डर छूते हुए फिर हम मध्य प्रदेश एंट्री करेंगे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पहले चरण का जो समापन होगा महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद फिर हम अगले चरण की यात्रा निकालेंगे और हम जब तक हमारी पूरी मांग नहीं हो जाए तब तक यात्रा जारी रहेगी। देश के कुछ राज्यों में जिस तरह से जो मांगे हैं वो पूरी कर दी गई है यहाँ पर कांग्रेस सरकार, लेकिन भाजपा सरकार मांगों को नहीं मान रही, क्या कारण है? देखिए, आप बिल्कुल सही कहे कि NMOPS के संघर्ष से हमने 5-6 राज्यों में सफलता पाई है और ये अच्छी बात है, संघर्ष से सफलता मिली है, वो याद सुना कल कौन सुनेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है, उनकी नीयत ऐसी होती है जैसे शिक्षक कर्मचारी कोई अपने जेब से पैसा दे रहे हैं, और जबकि जो लोग हमारे मना कर रहे हैं वो खुद 4-4 पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों को 1 पेंशन नहीं। उससे भी बड़ा सवाल मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ, देश का अर्धसैनिक बल जो देश के लिए जान देता है, देश के लिए बलिदान करता है, 0 टेम्परेचर पर विषम परिस्थितियों में हमारे लिए जान देकर वहाँ खड़ा होता है और हम चैन से सोते हैं, उसको पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया है। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि माननीय 4-4 पेंशन लेगा और अड़सनी बल एक भी पेंशन नहीं लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भी आपके संगठन ने एक घोषणा करी थी कि भाई आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव बहुत क्लियर है, हम किसी पार्टी के किसी नेता के विरोधी और समर्थक नहीं है, हम पुरानी पेंशन के समर्थक हैं। हाँ, हमारे बुढ़ापे का जो विरोध करेगा, वक्त आने पर बोर्ड की चोट से हम उसका भी विरोध करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय है। क्योंकि आज चलो आपने देखा होगा परिणाम, कर्नाटका आपने देखा होगा, हमने वहाँ सफलता बोर्ड की चोट से पाया है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा जो कर्नाटका का परिणाम है और देश का NPS कर्मचारी 1 करोड़ है, उसके परिवार में 5 लोग, 5 करोड़ लोग, और अगर थोड़ा सा शिक्षक कर्मचारी और लगेगा तो 10 करोड़ की सीमा रेखा पर हम पहुँचेंगे। और निश्चित रूप से अगर हमारा कोई विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, पुरानी पेंशन जो बहाल नहीं करेगा उसे हम बाहर करेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन में रहेगा, जिस तरह से आपने शिक्षक कर्मचारी सबसे ज़्यादा इसमें आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षक कर्मचारी जो है जब वोटिंग होती है, जो पोलिंग बूथ में कर्मचारी बनते हैं सबसे ज़्यादा वो रहते हैं, उनको लेकर आप? हाँ, ये बात, ये सवाल बड़ा है, लेकिन ये अभी पिछले 2-4 साल का सवाल था, आज ये सवाल बड़ा हो गया है कि आज आदमी वोट फॉर OPS के अभियान पे आ गया है। शिक्षक कर्मचारी जाति पाति भाषा पार्टी नेता सब भूल चुका है, वो कहता हमारे लिए पुरानी पेंशन काम आएगी, इसलिए अब हम एक अभियान चलाए हैं वोट फॉर OPS, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, नारा हम लोग बुलंद कर रहे हैं। तो साफ तौर पर सुना, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ऐसा कहना है
पुरानी पेंशन वाली जो संगठन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और भी यहाँ पर जो पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है अपना पद बताइए। मेरा नाम जीतमणि पैनुली, में पुरानी पेंशन वाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS का उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर जिस तरह सर ने बताया कि भाई जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो कहीं ना कहीं आने तो लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा इस मुद्दे का। अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा किसी दल से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी नेता से विरोध नहीं, हमारी वो है कि जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा हम उसमें राज करेंगे। अभी इसका परिणाम आपने हिमाचल और कर्नाटक में देखा, कर्मचारियों ने आज समझ चुका है, जागरूक हो चुका है। जब हम अपने आप को वोट बैंक के रूप में स्थापित करेंगे तभी सरकार हमारी बात सुनेगी। आज उत्तराखंड के अंदर तमाम अधिकारी कर्मचारी शिक्षक NMOPS के बैनर तले, विजय बंधु जी के नेतृत्व के तले एकजुट हो चुका है, और 2024 में वोट फॉर OPS अभियान को बहुत तेजी से चलाया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या उत्तराखंड में इस तरह का बदलाव आना जरूरी है? हमारा भरसक प्रयास रहेगा, कर्मचारियों का भरसक प्रयास रहेगा, और जैसे हिमाचल और कर्नाटक में ये कर्मचारियों ने करके दिखाया, उत्तराखंड भी देवभूमि है, कर्मचारियों की भूमि है, और यहाँ पर भी बदलाव होगा। कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है पास? हमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, विभिन्न सामाजिक संगठनों का दल हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, और ये 2024 से पहले हमें पूरी उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, ऐसा कहना है सर का। और हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं रोहित शर्मा जी। जी क्या कहना चाहेंगे, आपके नेतृत्व में लगातार ये संगठन काम कर रहा है। मैं ये नेतृत्व हमारा आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतमणि पैनुली जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड में इस आंदोलन को धार दे रहे हैं, और लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ, हम प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जो भी हमें आंदोलन दिए गए हैं और जो भी कार्यक्रम दिए गए हैं हम उनके लिए तैयार हैं। और आगामी 1 जून के बाद हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा 31 जून को, और उसके बाद 1 अगस्त से 9 अगस्त तक भारत के जितने भी सांसद हैं उनके घर पर हम जाकर घंटी बजाएंगे, उनसे कहेंगे माननीय सांसद जी जैसे आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं वैसे ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दें, उसके बाद नहीं तो आर या पार 1 अक्टूबर दिल्ली चलने के लिए हम तैयार हैं। सर ये जो सर ने बताया कि जो समापन होगा कौन सा बताया? ये बम्बई में होगा, जून के लास्ट में होगा इसका समापन, बॉम्बे में होगा। उसके बाद भी चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया, जैसे 1 अगस्त से 9 अगस्त तक, फिर 1 अक्टूबर की दिल्ली की महारैली, और ये भारतीय इतिहास में शिक्षकों को सबसे बड़ी रैली होने जा रही है जो 1 अक्टूबर दिल्ली में होगी रहेगी। साफ तौर पर आपने सुना पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश के कई सांसदों के घर में जाके घंटी बजाओ अभियान भी चलाया जाएगा, साथ ही उनसे कहा जाएगा कि यदि उनकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो आने वाले समय में देश की सरकार को उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।